डिडवाना जिले के ग्राम खारिश में एक परिवार के तीन सदस्य लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। इस परिवार के तीन भाई बहन पिछले कई सालों से ऐसी बीमारी से जूझ रहे जिसने इन्हें न केवल लाचार बना दिया बल्कि उनकी जिंदगी को भी बदरंग बना दिया। हालात यह है कि जिन जवान बेटों के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आनी थी अब उनकी ही जिम्मेदारी बूढ़े माँ बाप के कंधों पर आ पड़ी है। आपको बता दें कि भंवरलाल प्रजापत की संतानों को दुर्लभ बीमारी है। बीमारी में जैसे ही ये बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तभी यह बीमारी उन्हें जकड़ लेती है और उन्हें जवानी में ही लाचार बना देती है। और बीमारी भी ऐसी है कि आज तक कोई भी डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सके हैं। जैसा कि मुझे मालूम चला है, ऐसा है कि उनमें जो जीन है SPG11 जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उस बदलाव के कारण अब उनके जो बच्चे हैं उनमें जो पैरों के मांसपेशी है, पैरों की नर्व्स है, वो उस तरह से बनी नहीं है जैसे नॉर्मल इंसान में बनती है। इसके कारण वो परिवार एक दुखी परिवार है। उनके तीन लड़के, तीनों लड़के के जो ऐसी बीमारी है वो चल नहीं सकते। उसमें हमारे गांव के सभी भामाशाहों ने सभी ने सहयोग करके, हमारे पंचायत द्वारा भी सहयोग किया गया है, हमारे सभी लोगों ने मिलने वाले और गांव के दूसरे भी, हमारे विधायक महोदय जी ने भी दो बार उनको सहायता राशि दी है, हमारे अधिकारी भी आते हैं देते हैं और हम भी चाहते हैं। अभी सरकार से पंचायत से मेरा 2000 रुपया PM मोदी वाला आता था, मुआवजा भी नहीं आया। और मतलब मैडम STM मैडम कह दियो, BDO कह दियो, मकान बनाओ, कुछ भी मतलब सहायता को नहीं रही। हाँ, ये अभी तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन पूर्व में मेरी यहाँ पोस्टिंग रही थी तब खरेस में इस तरह का एक परिवार था जिसमें बच्चे की उम्र 18 से 20 साल होते ही और उनको कोई इस तरह की विकलांगता आ जाती थी। तो उस समय हम लोग वहाँ मौके पर भी गए थे और उनको उस समय जो भी योजना थी उन योजनाओं का लाभ भी दिलाया था। अब हम इसको दिखवा लेंगे, अगर किसी योजना में वो पता करते हैं तो बुला दिलाएंगे।